हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। एक्सपेलिंग फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो आउटसाइड द मदर बॉडी, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड डिलीवरी एंड सिमिलर प्रोसेस वी कॉल्ड पार्चुरेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फीटस से आपका इन्फेंट बना था। फीटस मीन्स आपके बॉडी पार्ट्स टोटली डेवलप्ड नहीं होते, ऐसा स्ट्रक्चर। एंड इन्फेंट कन्वर्ट हो जाता है फीटस से जब आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाती है, एक्चुअली पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है, उस कंडीशन को हम इन्फेंट बोलते हैं। एंड जब इन्फेंट फुल्ली डेवलप होने के बाद मदर के वूम से, यूटेरस से बाहर आता है, जो बाहर आने की प्रोसेस है डिलीवरी प्रोसेस, दैट वी कॉल्ड पार्चुरेशन। इट इज़ द फोर्सफुल मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड लेबर पेन। जो लेबर पेन होता है डिलीवरी प्रोसेस के दौरान, तो उस समय आपका फुल्ली डेवलप्ड इन्फेंट बाहर आने की कोशिश करता है, उस समय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस वॉल में, एंड दैट फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसी को हम बोलते हैं लेबर पेन। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी नियर अबाउट 9 मंथ एंड 7 डेज। यहाँ पे 7 डेज प्लस माइनस कंडीशन में हो सकते हैं, मे बी दे आर मिनिमाइज और दे बी मोर देन 9 मंथ। तो ये जो टोटल पीरियड कहा जाता है 9th प्लस 7 डेज का, वो कहलाता है हम जेस्टेशन पीरियड। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में जेस्टेशन पीरियड अलग अलग रहता है। बिफोर 2 वीक्स ऑफ पार्चुरेशन, फुल्ली डेवलप हो गए, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के 2 हफ्ते पहले, बेबी हेड कम्स नियर टू द पेल्विक कैविटी। पेल्विक गर्डल जो है वहाँ पे बेबी का हेड आएगा सर्विक्स की तरफ, सर्विक्स की तरफ हेड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही जेस्टेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। लेबर पेन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीट द जेस्टेशन पीरियड। 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज कंप्लीट हो गया, बेबीज का जो सिर है, हेड पार्ट, वो भी आपका सर्विक्स रीजन के पास आ गया, देन लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी लेबर पेन स्टार्ट हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका रिलीज्ड किया जाएगा बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इट हेल्प इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो पेल्विक कैविटी है आपकी, साइज इंक्रीज कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो ऑक्सीटोसिन उसको हेल्प करता है रिलीज करने के लिए। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड लव हार्मोन। इसके बारे में हमने एंडोक्राइन सिस्टम में भी देखा था कि इसको लव हार्मोन कहा जाता है। डिलीवरी प्रोसेस के दौरान मदर की बॉडी में इसलिए रिलीज होता है कि जो एक्सट्रीम पेन होता है उसको इस दौरान, तो उस पेन के दौरान भी वो अपने आप को रिलैक्स कर सके। एक बेबी के बीच में और मदर के बीच में एक इंटरनली बॉन्ड क्रिएट करता है ये हार्मोन। हार्मोन रिलैक्सिन रिलैक्स द सर्विक्स एंड लिगामेंट्स ऑफ पेल्विक गर्डल। सर्विक्स रीजन के जहाँ पे हेड आ चुका है बच्चे का, एंड लिगामेंट्स जो है, जो पेल्विक गर्डल की बोन्स को जॉइंट कर रहे हैं, उस लिगामेंट्स को वो रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आपका ईजिली हो जाएगा फॉर द ईजी बर्थ ऑफ द यंग वन। क्योंकि सर्विक्स रीजन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, पेल्विक कैविटी बड़ी हो जाएगी, साइज इंक्रीज करेगी, साइज नहीं थिंक, वो आपका एरिया ओपन करेगी, जिसकी वजह से ईजिली बर्थ हो जाएगा। इन्फेंट कम्स आउट, प्लासेंटा आल्सो कम्स आउट। प्लासेंटा का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियोज़ में देखा था कि जो प्लासेंटा, हमने देखा था कि जो मदर के यूटेरस के साथ फीटस का जो कनेक्शन रहता है, जिसके द्वारा मदर की बॉडी से नरिशमेंट एंड फीटस की बॉडी से नाइट्रोजनियस वेस्ट मदर की ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, उसे हमने प्लासेंटा किया कहा था। ये प्लासेंटा भी डिलीवरी के बाद बाहर आ जाता है, देन उसको बेबीज के बॉडी से कट करके सेपरेट कर दिया जाता है। मदर एंड बेबी दोनों की बॉडी से कट किया जाता है एक्चुअली, एंड यहाँ पे उसको सेपरेट कर दिया जाता है। इस तरह से आपकी डिलीवरी की और पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है। इसके जस्ट नेक्स्ट प्रोसेस कहलाती है आपकी लैक्टेशन। लैक्टेशन द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल,
मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो 9 मंथ का पीरियड है इस दौरान मेमोरी ग्लैंड्स की जो सेल्स है वो डिफ्रेंशिएशन में जाती है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मेमोरी ग्लैंड में स्टार्ट हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। आफ्टर बर्थ बेबी के लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस मिल्क हेल्प टू नरिशमेंट ऑफ इन्फेंट एंड मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर पार्चुरेशन, डिलीवरी के कुछ दिन जो पहली बार आपका मिल्क सिक्रीट होता है इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। स्पेशली नाम यहाँ पे अलग क्यों दिया गया है, क्योंकि कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क रहता है इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी फॉर इन्फेक्शन। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ रहती है जो मदर की बॉडी से बेबीज़ की बॉडी में आती है एंड जो उसको इन्फेक्शन होता है बाहर का, क्योंकि फर्स्टली बॉडी के बाहर आया है, अभी तक मदर की बॉडी में उसको प्रोटेक्शन मिलता है, अभी बाहर के इन्फेक्शन के साथ उसके बॉडी को खुद को लड़ना है, इसलिए ये एंटीबॉडीज़ मदर के मिल्क के थ्रू बच्चे के बॉडी में डाल दी जाती है, जिसके द्वारा वो बाहरी इन्फेक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है एंड दिस प्रोसेस हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल इम्यून सिस्टम ऑफ बेबी। इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन इन्फेक्ट बॉडी। नीट के अंदर इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पहली एंटीबॉडी बच्चे को कहाँ मिलती है, तो पहली एंटीबॉडी बच्चे के बॉडी में आती है थ्रू द मदर एंड यही प्रोसेस उसकी नेचुरल इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। हमने इसके पहले कॉन्जेनाइटल डिसीज़ और जेनेटिक डिसीज़ में देखा था, या इम्यून सिस्टम जो हमारी नेचुरल इम्यून सिस्टम आती है, जो बाय बर्थ हमारी इम्यून सिस्टम रहती है वो हेल्प करती है उसको बनाने के लिए, हमारी मदर की बॉडी में से जो एंटीबॉडीज़ आती है इसके ही द्वारा बच्चे की नेचुरल इम्यून सिस्टम बनती है। दिस इज़ अबाउट द लैक्टेशन। यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड लेसन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीट होता है, जहाँ पे लास्ट टॉपिक हमने देखा पार्चुरेशन दैट इज़ द डिलीवरी एंड लैक्टेशन दैट इज़ द मिल्क फीडिंग। थैंक यू।